हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। नमस्कार, स्वागत करता हूं आपका NR इंडिया न्यूज में। आपके साथ हूं मोहम्मद नदीम रब्बानी। आप देख रहे हैं हाजीपुर से रविंद्र ठाकुर की रिपोर्ट। खबर बिहार के वैशाली जिला से है। हाजीपुर में राजद के महुआ विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार डॉक्टर मुकेश रोशन का भव्य स्वागत। महुआ विधानसभा क्षेत्र से राजद उम्मीदवार डॉक्टर मुकेश रोशन का उनके आवास पर कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया। इस दौरान मुकेश रोशन ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि राजद की विकास नीतियों को लागू करेंगे और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन को सरकार बनाएंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने पिछले 15 सालों में बिहार को बर्बाद कर दिया है, जनता उन्हें जवाब देगी। श्री रोशन ने अपने एजेंडे को दोहराते हुए कहा कि चुनकी में एक डॉक्टर हूँ, जीत दर्ज करते ही सबसे पहले महुआ विधानसभा में मोहल्ला क्लिनिक बनाने का कार्य करेंगे और महुआ के सड़क शिक्षा व्यवस्था को सुधार करूंगा और लोगों के हित के लिए मैं हमेशा महुआ वासियों को सहयोग करूंगा। पवन जी और भी जो साथी हैं, सभी लोगों का हम हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। जो हमारे ऊपर जो जिम्मेवारी दी गई है राष्ट्रीय जनता दल के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी एवं हमारे नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी एवं राजमाता राबड़ी देवी जी एवं हमारे महुआ के विधायक एवं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव जी के द्वारा जो जिम्मेवारी दिया गया है उसको हम बखूबी निभाएंगे और जो विकास का धारा जो बहाने का काम किए थे तेज प्रताप जी, उस लकीर को हम लोग और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसी वादा के साथ हम लोगों ने कल आशीर्वाद लेकर राजमाता जी से और आगे बढ़ने का काम किया है। महुआ के विकास में 4 चांद लगाएंगे। महुआ में जो मेडिकल कॉलेज हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी जब डिप्टी सीएम थे और हमारे नेता तेज प्रताप यादव जी थे, तो वहां पे मेडिकल कॉलेज और सबसे बढ़िया अगर सड़क कहीं होगा पूरे वैशाली जिला में तो महुआ और राजापाकर और पातेपुर में देने का काम किए थे। इसके लिए हम अपने नेता को कोटि कोटि बधाई देते हैं कि हमारे ऊपर जो जिम्मेवारी दिया गया है हम बखूबी निभाएंगे और विकास के धारा को 4 चांद लगाने का काम करेंगे। एक डॉक्टर होने के नाते महुआ में मोहल्ला क्लिनिक खोलने का काम करेंगे और युवाओं को जो नौकरी देने की बात हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि हमारा कैबिनेट का जब सरकार बनेगा और कैबिनेट का बैठक होगा तो पहला बैठक में पहला कलम के दस्तखत से 10 लाख युवाओं को रोजगार दिलाने का काम करेंगे एवं यहाँ पे जो स्थानीय नीति लागू करके यहाँ के औद्योगिक नीति लागू कर स्थानीय नीति लागू कर यहाँ के औद्योगिक क्षेत्र में विकास कर और यहाँ के लोगों को यहाँ पे रोजगार दिलाने का काम करेंगे। लगातार नीतीश कुमार जी सुशासन की बात करते हैं और डेवलपमेंट की बात करते हैं। आज तक एक सुई का कारखाना लगाए क्या? बिहार का जितना नौजवान है परेशान है, बेरोजगार है, सभी लोग देख रहे हैं कि प्रदेश में 2000 किलोमीटर चलकर पैदल आया है और लॉकडाउन में कितना का जान गंवा चुका, कितना लोग फांसी लगा लिया, कितना लोग बेरोजगार बैठा हुआ है घर में। तो इसके लिए हम लोग आप लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि इस बार तेजस्वी यादव जी का सरकार बनाए और युवाओं को रोजगार दिलाने का जो वादा किया है हमारे नेता ने उसमें हम लोग सबसे पहला प्राथमिकता के तौर पर युवाओं को रोजगार दिलाने का काम करेंगे और यहाँ पे रोजगार दिलाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।